हे दोस्तों, अगर आप AWS का फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आने वाला समय में ये चार्ज आपको पड़ सकता है या आपका जो फ्री ट्रायल का जो वन ईयर का जो पीरियड होता है वो खत्म होने वाला है और आप चाहते हैं कि अकाउंट को डी रजिस्टर करें, जो रजिस्ट्रेशन की है उसको कैंसिल करे, जो सब्सक्रिप्शन लिए उसे कैंसिल कर दे, तो आज के इसमें मैं बताऊंगा किस तरह से आप जो है AWS का फ्री सर्विसेज जो आप लिए हैं उसको आप कैंसिल कीजिएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप AWS का फ्री टायर अकाउंट ओपन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, आप एक साल हो जाने के बाद कुछ सर्विसेज अगर आप यूज कर लेते हैं वहां से तो आपका एक चार्ज पेमेंट हो जाता है और ये ऑटोमेटिक आपका पेमेंट गेटवे में आ जाता है, यानी क्रेडिट कार्ड में ऑटोमेटिक आ जाता है, वहां से पैसा आपका कट जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही वन ईयर होता है तो आपके पास एक मेल आता है, हो सकता है आप उस मेल को मिस कर देते हैं तो आपको चार्ज देना ही पड़ जाता है। तो पहले से ही आप इस अकाउंट को डिजेबल कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं, तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बातें करेंगे। आपको मैं डिजेबल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम वहां से अकाउंट को वहां से डीएक्टिवेट करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम अपना जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेंगे, उसके बाद से AWS अकाउंट को हम ओपन करेंगे। माय अकाउंट में क्लिक करेंगे, अकाउंट सेटिंग यहाँ दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, रूट यूज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे जिस ईमेल आईडी से हमने रजिस्टर किया था। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो हमारे अकाउंट सेटिंग में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे कहाँ पर हमारा अकाउंट को क्लोज करने का ऑप्शन दिया गया है। तो नीचे की ओर जाएंगे, जाने पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्लोज अकाउंट, राइट। तो क्लोज अकाउंट दिया है यहाँ पर, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्यों क्लोज करना है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर जितना ऑप्शन दिया गया सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, करने के बाद करेंगे क्लोज अकाउंट, कन्फर्मेशन आएगा, हम लोग यस कन्फर्मेशन क्लोज कीजिए। योर अकाउंट हैज़ बीन क्लोज, अब मेरा अकाउंट जो है ये क्लोज कर दिया गया है, राइट। तो इस तरह से हम अपने जो है AWS अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे, राइट। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ YouTube में, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ। जैसे ही आप अकाउंट को क्लोज कर दीजिएगा तो क्लोज करने के बाद आपके पास एक मेल आ जाएगा AWS की तरफ से, अमेजन की तरफ से मेल आ जाएगा। तो उस पर हम लोग जब क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर कन्फर्मेशन मेल हमारे पास आ गया है कि योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल कन्फर्मेशन, जो मैं कैंसिल किया हूँ वो कन्फर्म हो गया, राइट। तो हम समझ गए कि हमारा जो है अकाउंट अब क्लोज हो गया है। तो ये आपको चेक कर लेना पड़ेगा आपके पास मेल आया है कि नहीं। अगर दोस्तों मेल नहीं आया है तो आपको AWS के कस्टमर केयर में आपको मेल करना पड़ेगा, राइट। मैनुअली मेल क्लिक करके आपको अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्लोज नहीं करवाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, राइट।